वेरी गुड आफ्टरनून। आज जैसे कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है और उसके कंट्रोल हम कैसे करते हैं और कितनी तरह के पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है पॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि पॉल्यूशन होता है क्या। पॉल्यूशन ऐसे ऐसे जो पॉल्यूटेंट जो क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं हम पॉल्यूशन करते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को क्या करती है और प्रदूषित करती है वो क्या बोलते हैं हम लोग पॉल्यूशन। ठीक है, या प्रदूषण। ठीक है, अब आते हैं हम कितनी तरह का होता है हमारा पॉल्यूशन। सबसे पहले हम गाइडलाइन देखेंगे कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले। तो सबसे पहले हमारा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक, कितनी तरह का पॉल्यूशन होता है हमारा। ठीक, पॉल्यूशन इन फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स से हम देखेंगे कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो कितनी तरह के होते हैं और कैसे कैसे वो पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट। ठीक, फिर क्या देखेंगे हम पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। ठीक, फिर नेक्स्ट पीपीसी डिवीज़न, फिर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म यानी कि उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर हम करेंगे फिर उससे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमारे चार तरह के होते हैं। पहला है हमारा एयर पॉल्यूशन, दूसरा है हमारा वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन पे आते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और अदर हार्मफुल मटेरियल इन टू द अर्थ एटमोसफियर कॉजिंग डिजीज, डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, डैमेज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सच एज फूड क्रॉप और द नेचुरल बिल्डिंग बिल्ड्स एनवायरनमेंट। एयर पॉल्यूशन क्या होती है? एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? एयर पॉल्यूशन किसी ऐसे पार्टिकुलेट्स होते हैं और जो बायोलॉजिकल मैथड्स होते हैं जैसे कि गैसेस होती हैं, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं हमारे एटमोसफेयर में जाके एक्यूमुलेट होती हैं और वो एक्यूमुलेशन से क्या होता है हमारे जो एसिड रेन होते हैं और अलग बायोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं उससे क्या होता है हमारा एटमोसफेयर होता है हमारा क्या पॉल्यूटेड होता है, उससे क्या होता है हमें डिजीज आती है, बीमारियाँ आती है, डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डैमेज टू अदर लिविंग यानी कि और भी अलग अलग जानवर्स होती है डेथ होती है इसमें, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स अगर एसिड रेन होगा तो उसमें क्या होगा एक्वाटिक एनिमल्स क्या होंगे उससे डैमेज होंगे और साथ ही साथ हमारा जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो भी क्या होता है हमारा डैमेज होगा और साथ ही साथ हमारा नेचुरल और बिल्डिंग एनवायरनमेंट भी क्या होगा हमारा पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेदर्स एयर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो वेदर्स हैं एयर पॉल्यूटेंट वो कौन कौन से हैं यानी किसके वजह से हमारा जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन वो पॉल्यूट होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हमारा पॉपुलेट मैटर्स, ये सब क्या है हमारे वेदर पॉल्यूटेंट है किसको जो एयर पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमिशन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी कि हमारे जो सूत्र क्या है एयर पॉल्यूशन यानी किसके कारण वर्ष में हमारा जो एयर है वो कैसे पॉल्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है एमिशन ऑफ पावर स्टेशन यानी कि जो पावर स्टेशन हैं हमारे ऐसे जहाँ पे पावर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल होता है वहाँ से जो इमिशंस होते हैं वो क्या होती हैं बहुत तरह की जो गैसेस हैं वो सब क्या होती हैं हमारी जो रिलीज होती है वो क्या होता है उससे हमारा जो एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी कि जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि जब वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उससे क्या होती है हमारे जो गैसेस हैं वो क्या होती है हमारी रिलीज होती हैं तो उससे क्या होता है हमारा एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, वेहिकुलर इमिशन यानी कि हमारी जो वाहन है
ठीक है, वाहन से जो भी हमारी जो गैसेस निकलती हैं, डीजल से जो गैसेस, डीजल बर्न से जो गैसेस निकलती हैं, पेट्रोल बर्न से जो गैसेस निकलती हैं, उससे जो वेहिकुलर इमिशन है उससे क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन पॉल्यूट होता है। ठीक, फिर क्या हमारा नेक्स्ट है, इमिशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जब हम सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं, जैसे कागज जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, या अलग कोई भी सॉलिड वेस्ट को हम जब जलाते हैं, जो उस बर्निंग से जो भी गैसेस निकलती हैं, जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उससे क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, फिर क्या हमारा इमिशन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वोल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, यानी कि इमिशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अगर हमारा ज्वालामुखी फूटता है, उससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं या जो जो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो क्या होती है, हमारी एयर में जाके एक्यूमुलेट होती है एटमोसफेयर में जाके, वो एक्यूमुलेट होती है एटमोसफेयर से, वो क्या करती है, फिर एसिड ड्रेन से वो क्या करती है, अलग अलग तरीके से हमें क्या करती है, डिजीजे देती हैं, स्किन कैंसर होता है, और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उसमें क्या होता है, चेंजेस आती है, कलर चेंज होता है, और क्या है, साथ ही साथ हमारे जो फॉरेस्ट फायर, जब हमारे जंगलों में आग लग जाती है, तो उससे भी जो हमारे जो गैसेज हार्मफुल गैसेज वो क्या जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, फिर वो क्या करती है, फर्दर हमारे एयर पॉल्यूशन को पॉल्यूट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, सबसे पहले कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एयर, यानी कि हम जो एयर है उसको क्या करें, पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज करें, यानी कि उसको लेने के लिए हम क्या करें, पूरी तरह से स्टैंडर्ड तरीके से लें, ना कि हम किसी आर्टिफिशियल या किसी सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करें, अगर उसको एयर को प्रूव करें। फिर हमारा लेबोरेटरी इक्विपमेंट, लेबोरेटेड एयर मॉनिटरिंग स्टेशन, यानी कि एयर मॉनिटरिंग स्टेशन होता है जो, जहाँ पे क्या होता है, एयर को हम प्योरीफाई करते हैं हर हार्मफुल गैसेस। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एयर होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसमें भी 0.5% क्या होता है, हमारा मॉनिटरिंग स्टेशन से भी हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, बहुत कम हार्मफुल होती है, ज़्यादा नहीं होती, यानी कि सिर्फ 0.5% अदर जो हमारी ऑक्सीजन एयर्स हैं वो क्या होती है, हमारे ज़्यादातर प्योर होती है। ठीक है, फिर क्या हमारा पोर्टेबल गैस एनालाइजर, पोर्टेबल गैस एनालाइजर सिंपल एक एनालाइजर होता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि जो जो हमारी गैसेस हैं, जो हमारी एयर है, वो क्या हमारे लिए शुद्ध है कि नहीं, हमारे लेने लायक है कि नहीं। ठीक है, फिर स्मोकिंग कंट्रोल एक्शन प्लान, यानी कि जो स्मोकिंग कंट्रोल एक्शन प्लान है वो क्या हमारा, ज़्यादातर क्या होता है कि जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे क्या होता है कि उसको कंट्रोल करेंगे तो जो उससे उससे जो गैसेस निकलती है उससे क्या होगा, जो एयर पॉल्यूट है, एयर एयर में जाकर वो पॉल्यूट करते हैं, उससे क्या होगा, वो कम एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहला था हमारा स्टैंडर्डाइज एयर, यानी कि उसमें हम एक स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं एयर को क्वालिफाई करते हैं। फिर था हमारा लेबोरेटरी इक्विपमेंट, सबसे पहला क्या था, एवेंटेड एयर मॉनिटरिंग स्टेशन। ठीक, फिर क्या था, पोर्टेबल गैस एनालाइजर। ठीक है, फिर क्या हमने प्लान बनाया, स्मोकिंग कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सब सिंपली क्या करते हैं, इसमें स्मोक को कंट्रोल करके, स्मोकिंग कंट्रोल करके क्या करते हैं हम लोग, जो एयर एयर पॉल्यूशन कम करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, स्मोक कंट्रोल एक्शन प्लान। ठीक है, फिर जो हमारा था स्मोक कंट्रोल एक्शन प्लान, एम था इसका टू ड्रॉप डाउन द नंबर्स ऑफ डीजल ड्राइव व्हीकल्स क्रिएटिंग द ब्लैक स्मोक, यानी कि जो इसको क्या करना था, जो नंबर ऑफ डीजल ड्राइवर व्हीकल थे उसको हम क्या करते थे कि जो इमिट करती थी जो ब्लैक स्मोक, उसको क्या करते थे हम लोग, उससे कंट्रोल करते थे। कैसे, ये कब लॉन्च हुआ था, अगर 2013 में, टू मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, पहला क्या है, इन्फोर्समेंट, रोड साइड चेक एंड कंटेंसी ऑफ द स्मोकिंग व्हीकल्स बाई पुलिस, डी एल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, एनफोर्समेंट क्या होता था कि रोड साइड पे चेक करते थे जो भी हमारी डीजल ड्राइवन व्हीकल्स की वो इस्तेमाल हुई है कि नहीं, और फिर क्या और जो हमारे कंसर्वेशन ऑफ स्मोकिंग व्हीकल क्या बाई पुलिस के द्वारा क्या करते थे, इन्वॉल्वमेंट में चेक करते थे कि हमारा जो हमारा एक्शन प्लान है, यानी स्मोकिंग कंट्रोल एक्शन प्लान है, वो हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सैनिटाइजेशन कैंपनीज टी वी आर, यानी कि जो हमारे जो टी वी के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जो एक्स रेज होती हैं, उसके अंदर वो क्या करती हैं, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, उससे उससे क्या होता है हमारा जो उससे हमारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के हमें स्किन कैंसर
और अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिजीजे नजर आते हैं। इससे क्या होता है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, इसको कैसे कम कन्वर्ट करते हैं, उसके एक्सरेज उसमें हम क्या करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, यानी जो एक्सरेज रेज होती है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फर्दरली एक अमाउंट तक हम उसको क्या करते रहते थे, चेंज करते रहते थे। उस चेंज करने से क्या होता था, जो हमारी एक्सरेज है वो क्या होती थी, हमारी जो कम निकलती थी, और कम निकलने से जो हमारी एक्यूमुलेशन होती थी एयर की वो हमारी बंद हो जाती थी। इसलिए हम क्या करते थे, उसमें सैनिटाइजर कैंपेन लगाते थे। इससे क्या होता था, हमारे टीवी रेडियो से जो हमारी एक्सरेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज़ या ई कॉमर्स से वो क्या होती थी, कम हो गई थी। ठीक है, इस दौरान में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक, फिर ना हमारा ये जो जो हमारा स्मोक कंट्रोल एक्शन प्लान है वो क्या बना था, अगस्त 2013 टू नवंबर 2014 तक हमने इसके ऊपर कन्वर्ट किया था। फिर हमने क्या देखा था, इसमें हमारा रिजल्ट आया था 198 व्हीकल्स का होती हमारी कॉन्ट्रावेंट हो, यानी कि जो हमारे 198 व्हीकल थी वो क्या होती पूरी तरह से हमारे बैंड हो गई थी। ठीक है, जो ऐसे ऐसे ऐसी व्हीकल थी जो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, हमारी हार्मफुल पॉल्यूटेंट को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूटेट करती थी। ठीक है, फिर क्या 104 पॉल्यूटेशन कोटीज के बाद 70%, यानी कि 104 पॉल्यूटेशन कोटीज का मतलब है कि जो हम लोगों ने जो सॉरी स्मोक कंट्रोल एक्शन प्लान पे जो जो सैनिटाइजेशन हुई थी उसमें क्या होता है, सैनिटाइजेशन से वो क्या होता है, प्रोवेंट नोटिस आती थी कि 104 में 104 जो कंट्रीज हैं उनके जो एवब है 70% एवब है उसमें क्या होता है, जो एक्सरेज फॉर्मेशन होते थे वो क्या होते थे, हमारे धीरे धीरे कम होने लगे थे। और जो हम जब सैनिटाइजिंग करने का मतलब एक नया रिप्लेसमेंट कर देते तो उससे क्या होता था, हमारे जो कॉन्विटेशन है वो क्या होती थी, कम होती थी। ठीक है, जो हमारा एयर का एकोमोलेशन है, हार्मफुल गैसेस का जो एकोमोलेशन है इकट्ठा है वो क्या होता था, हमारे धीरे धीरे कम होता था। ठीक है, फिर तो हमारा जो 564 PF71 हैज बीन सर्व, यानी कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम क्या करते थे, जो हमारे स्मोक कंट्रोल्स हैं स्मोक्स हैं वो क्या करती है, हमारी मेजर होती थी। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक, अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन रिफर्स टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, दिस द मे बी इंक्लूडिंग लैक्स रिवर्स ओशन एंड एक्वेरियम ग्राउंड वाटर। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन ये होता है कि जो वाटर जहाँ से हम इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या कोई भी वेस्ट होता है, जहाँ उसको वाटर में हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी पॉल्यूशन होता है यानी एक्युमुलेशन ऑफ लीचेड, यानी कि जो कचरा जो जो भी हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट या ई वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में अगर हम उसको डालते हैं तो हमारा क्या होता है, पूरी तरह से हमारा जो वाटर वो क्या होता है, हमारा पॉल्यूटेड होता है। उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है पॉल्यूटेड, जैसे लैक भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है और एक्वीफर भी हो सकता है, ऐसे शुद्ध पानी और ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो हम जो पानी हम यूज़ करते हैं वो भी क्या हो सकता है, हमारा पॉल्यूट होता है। और अभी तक तो हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से हमें शुद्ध नहीं मिलता, कुछ भी कंटेंट उसमें नहीं मिलते, जो मिनरल्स हमारी बॉडीज के लिए चाहिए रहता है वो मिनरल्स हमें अभी भी ग्राउंड वाटर में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ही हाई चलता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन यानी कोई भी होता है, पेपर पेपर होता है अगर उसको भी डाल लें तो उससे जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर धीरे धीरे गलने लगते हैं, गल के क्या होता है, पूरी तरह से उसमें सड़ने लगते हैं, जो उसके कंटेंट्स होते हैं जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हमारे वाटर्स को क्या करते हैं, वो पूरी तरह से पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा इंडस्ट्रियल है, हमारी इंडस्ट्री है या जो हमारा डाई इंडस्ट्री है वो क्या करती है, जो भी कलर्स होते हैं केमिकल्स होते हैं वो क्या करती है, उससे वॉश करती है अपना, वॉश करने के बाद क्या करती है, रिवर के थ्रू हमारा डिस्पोज कर देती है। ठीक, उससे क्या होता है, हमारा जो वाटर पॉल्यूशन होता है उससे हमारा जो वाटर है, वाटर के जो कंटेंट्स है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारा पॉल्यूट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये मेन कॉजेज है कि हमारा जो वाटर है वो किस तरह से पॉल्यूट होता चले आ रहा है। ठीक, फिर हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, काउंटर्स या जो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे जो भी है पावर इंडस्ट्रीज हैं या वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारे रिवर्स में चले जाते हैं, वो रिवर्स से हमारे क्या करती है, हमारे जो पूरी तरह से जो वाटर है उसको पॉल्यूट करती है। ठीक है, जो वाटर के कंटामिनेंट्स हैं उसको क्या करती है, चेंज करती है, पीएच वैल्यू को चेंज करती है, और कभी कभी क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है पूरी तरह से एसिडिक भी हो जाता है, कभी कभी बेसिक भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ सारे कंटामिनेंट्स हैं जो हमारे वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। वो पॉल्यूशन कहीं पर भी हो सकता है, जैसे लैक्स में भी हो सकता है, रिवर्स में भी हो सकता है, ओशियन में भी हो सकता है और ग्राउंड वाटर में भी हो सकता है।
ठीक है, मेजर वाटर कंटामिनेंट, यानी कि जो क्या क्या मेन है, क्या क्या मेन कंटामिनेंट्स हैं, यानी कौन कौन से मेजर हैं वो क्या है हमारे जो वाटर पॉल्यूशन को हमारे पॉल्यूट करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। इसमें क्या ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या क्या होगा, डिटर्जेंट होगा और हैबिलिटीज होगी। कभी कभी क्या होता है, देखते हैं कि हम लोग समुद्र के पास या नदी के पास हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, ठीक है। उस कपड़े धोने से क्या होता है, डिटर्जेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वाटर में जाते हैं, वो वाटर क्या करते हैं हमारे पूरी तरह से हमारे वाटर कंटामिनेंट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है जैसे पहले तो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स होगा, डिटर्जेंट फिर होता है हैबिलिटीज, यानी कोई भी हम जैसे लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिक्विड जो हमारे बहुत ज़्यादा उसके अंदर हार्मफुल कंटामिनेंट्स हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स होंगे जैसे अल्कोहल भी हो सकता है उसमें, या मेकेलाइट भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, बेकिंग सोडा भी हो सकता है। ये सब जो सोडाज हैं, कभी कभी हम लोग यहाँ के कपड़ा धोने में या बर्तन धोने में या किसी भी चीज़ में हम किसी चीज़ को धोने के लिए साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, ठीक। वो ऑर्गेनिक कंटामिनेट्स हमारे क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन को पूरी तरह से पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इनऑर्गेनिक कंटामिनेट्स, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक कंटामिनेट्स का होता है हैवी मेटल्स हो गया, अमोनिया हो गया, ऐसे हैवी मेटल्स में जैसे क्या होगा, मेटल हमारा पानी में गिर गया, ठीक। पानी में गिरने से क्या होगा, हमारे जो हमारे बेस्ट मेटल्स है वो क्या गया, हमने पानी में डाले, वो मेटल्स का होगा उसके अंदर जो क्लोरीन फॉर्मेशन है, क्लोरीन फॉर्मेशन से जो हमारा वाटर हाइड्रोजन क्या होगा, धीरे धीरे अपना वो हाइड्रोजन को अपना खोने लगा, ठीक। फिर वो खोने के बाद क्या हुआ, हमारा जो हमारे वाटर कंटामिनेंट्स है उसमें क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी उसके अंदर आ गई, ठीक। वो क्या करता है, हमारे वो जो वाटर होता है उसके कंटामिनेंट्स को चेंज कर देता है, फिर वो हमारे जो वाटर होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से वो ब्लू होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या हो जाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, यानी कोई भी बचा हुआ खाना क्या होता है हमारे पूरी तरह, या प्लास्टिक हो गई, कोई पेपर हो गया होता है पूरी तरह वो क्या होता है वाटर में घुले, तो वो वाटर क्या करता है, जो उसके कंटामिनेंट्स हैं उसको क्या करता है, धीरे धीरे चेंज करता है और उसको गलाता है, सड़ाता है, सड़ने के बाद जो उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उसको क्या होता है वाटर में चली जाती है, ठीक। वो बैक्टीरिया क्या करती है, हमारे वाटर को पूरी तरह से पॉल्यूट करती है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, थर्मल पॉल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर इन टू द वाटर बॉडी बाई फैक्टर। वही है कि अगर डाई वाली कंपनी है तो डाई वाली कंपनी क्या करेगी, जब वो अपना डाई प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी तो वो फिर क्या करेगी, रिवर्स या रिवर्स में डाल देगी, अपना सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करेगी, या फिर किस प्लान में लैक्स में रिवर्स में ओशन में कहीं पे भी वो क्या कुछ ना कुछ वो अपना करेगी। तो इससे क्या होता है, वहाँ हमारा जो कंटामिनेट्स है या जो केमिकल्स हैं जो हमारे डाई कंपनी से निकाल के आ रही है या फैक्ट्री से निकल रही है या गर्म पानी जो भी आ रहा है वो क्या है, हमारे वाटर बॉडीज को क्या करेगी, हमारे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। ये था हमारा मेजर कंटामिनेंट। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सीवेज, सबसे बड़ा सीवेज है, ठीक है। जो हमारे नहाने का पानी है, जो हमारे बाथरूम का पानी है, वो सब क्या होता है, वो सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही हमारे जो वाटर पॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, हमारे वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है। फिर रन ऑफ ऑफ पेस्टिसाइडर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जो हमारा पेस्टिसाइजर और जो फर्टिलाइजर है, क्या होता है कि जब हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बारिश के पानी से वो बह जाते हैं, बह जाने के बाद क्या करते हैं, वो पानी हमारे क्या आ जाता है, किसी नाले से जाता है, नाले से कन्वर्ट होकर किसी रिवर में जाता है, रिवर से जाकर वो किसी लेक में जाता है, ठीक। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस से हमारा जो वाटर है वो क्या होता है, हमारा पूरी तरह से पॉल्यूट होने लगता है, ठीक है। फिर क्या है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कि ऐसे चीज़ जो मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, तो वो क्या करते हैं, हमारे वाटर बॉडीज में जाते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आज में क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, फिर उसे क्या होता है, धीरे धीरे लीचेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, वो लीचेंट क्या करते हैं, हमारे जो वाटर कंटामिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे जो वाटर कंटामिनेंट्स हैं उसके अंदर वो क्या करने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। जो हमारे वाटर में जो मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मिनरल्स धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ख़त्म होने लगता है, ठीक। इससे क्या होता है, हमारा वाटर है पूरी तरह से क्या हो जाता है, हमारा पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनट्रीटेड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज, यानी जो हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि जो हमारा यानी जो हमारा इंडस्ट्री से, माइनिंग से, मील से, जो भी हमारे वाटर्स कंटामिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनट्रीटेड होते हैं, यानी कि उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट हमारा रिवर लैक्स में क्या कर देते हैं हम, तो डायरेक्ट उसमें
उसमें डिस्पोज करे, तो वो क्या होता है, अगर वो अनट्रीटेड होगा तो क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा उसे क्या करेगा, पोल्यूटेड करेगा, कुछ केमिकल्स होंगे, वो केमिकल्स क्या हमारे वाटर से मिलेंगे, उससे क्या होगा हमारा पीएच वैल्यू चेंज होगा, पीएच वैल्यू से क्या होगा हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से एसिडिक होने लगता है, ठीक है। फिर केमिकल्स एंड ऑयल स्पिल्स, यानी कि जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं और जो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या करेंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होंगे बनेंगे, कुछ वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, वो किस पर रिलीज करते हैं हम लोग वाटर बॉडी में, वो वाटर बॉडीज क्या होगी पूरी तरह से क्या होगी पॉल्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा सैम्पलिंग ऑफ पॉल्यूट वाटर बाई द नेशनल एनवायरमेंट लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट भी डिटरमाइन द वाटर क्वालिटी, यानी कि जो लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं कि हम वाटर क्वालिटी की, वाटर की क्या क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं लेबोरेटरी में, तो सबसे पहले होता है हमारा टेम्परेचर, यानी कि अगर हम सबसे पहले उसमें देखने की जो हमारा वाटर क्वालिटी को, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर वाटर का वो क्या है कि नहीं, फिर उसका पीएच वैल्यू देखते हैं, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं। फिर उसका टीडीएस, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि जो उसके अंदर सॉलिड है वो पूरी तरह से डिजॉल्व है कि नहीं। फिर टीएसएस, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, यानी कि ऐसे सॉलिड जो पूरी तरह से सस्पेंड हो चुके हैं, ठीक है। फिर हमारा सीओडी, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, उसके अंदर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। फिर हमारा कोलिफॉर्म, यानी कि जो हमारा कैम्बर ब्योरी भी देखते हैं, इसका ब्योरी कितना, ब्योरी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होना चाहिए कितना, 0.5 से 0.26 किलोग्राम पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा पूरा लेबोरेटरी टेस्ट, पहला था हमारा टेम्परेचर, दूसरा हमारा पी एच वैल्यू, फिर हमारा कंडक्टिविटी, फिर टी डी एस, फिर टी एस एस, सी ओ डी, फिर कोलिफॉर्म। अब आता है हमारा लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन रिफर्स टू द डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल ऑन लैंड ऑन ग्राउंड अंडरग्राउंड इन ए मैनर दैट कैन बी कंटामिनेट द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, थ्रेटन पब्लिक हेल्थ एंड कॉजेस अनसाइटिक कंडीशन एंड टॉक्सिन। क्या होता है लैंड पॉल्यूशन, कैसे होता है लैंड पॉल्यूशन, जो होता है हमारा डिस्पोज होता है किसमें, हमारा सॉइल और लिक्विड लिक्विड वेस्ट मटेरियल, यानी कि कोई भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल हो और सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो, उसको क्या हम करते हैं, हम ईजिली क्या करते हैं, हम लैंड पर फेंक देते हैं। जैसा कि हमारा कूड़ा, कोई भी ऐसा इस्तेमाल जैसे प्लास्टिक हो गया, कोई रबर हो गया या कोई भी हो गया, वो क्या करते हैं, हम एक चीज में क्या करते हैं, उसको हम कहीं पर फेंक देते हैं, लैंड पर फेंक देते हैं, तो उससे हमारा जो लैंड है वो क्या होता है, पूरी तरह से पॉल्यूट होता है। वो लैंड क्या होता है, सबसे पहले एक जो लैंड होता है वो क्या करता है हमारा, जैसे सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है कि वो पूरी तरह से डिस्पोज नहीं हो पाता है, ठीक है। लिक्विड वेस्ट तो वो क्या करता है, लिक्विड वेस्ट तो डिस्पोज हो सकता है लेकिन सॉलिड वेस्ट पूरी तरह से डिस्पोज नहीं होता। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लीचेड बनाते हैं, यानी कि कीचड़ जो होता है, कीचड़ की तरह होता है, एक ऐसे टाइप होता है जो सॉलिड में सॉलिड के रूप में बनाया जाता है, उससे क्या होता है वो धीरे धीरे क्या होता है हमारे सॉलिड पार्टिकल गलता रहता है। उस लैंड पॉल्यूशन के लिए अलग अलग तरह के हम डिस्पोजल सॉइल डिस्पोजल प्रोग्राम बनाते हैं, वो क्या होता है अलग अलग तरह की बोलते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, सिवा हमें जानना है कि लैंड पॉल्यूशन कैसे प्रॉब्लम होता है, ठीक। तो सॉलिड तो धीरे धीरे सॉलिड तो जल्दी से डिस्पोज होता नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, लीचेड फॉर्म करते हैं। लीचेड फॉर्म करने की बात करें तो उसमें हम वाटर कंटामिनेंट्स मिलाते हैं, वो कंटामिनेंट्स मिलाने के बाद क्या होता है, जो सॉलिड है सॉलिड वाटर के साथ मेल करता है, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट होता है। वो गिलने के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं धीरे धीरे उसको खा के क्या करते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। फिर वो क्या करता है, लीचेड का फॉर्म हो जाता है। वो लीचेड क्या होता है, वो लीचेड क्या लिक्विड जो होता है वो क्या करता है कि हमारे वाटर ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, जो लिक्विड होता है लीचेड लिक्विड होता है, वो क्या होता है, सॉइल हमारी उसमें क्या करती है, पूरी तरह से सोख लेती है। जो वो सोख के सॉइल हमारे क्या होती है, सॉइल पोरस होती है, सॉइल में क्या होता है, वो सोख के पूरा क्या करती है, वो अंडरग्राउंड में हमारे पहुँचा देती है। इससे क्या होता है, हमारा अंडरग्राउंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिंपली लैंड इज रिफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल ऑन लैंड और अंडरग्राउंड इन द मैनर दैट कैन बी कंटामिनेटेड बाय सॉलिड एंड अंडरग्राउंड, यानी कि सॉइल भी पॉल्यूशन है, जो लैंड पॉल्यूशन होता है वो सॉइल से भी पॉल्यूट होता है और ग्राउंड वाटर भी साथ ही साथ उसमें पॉल्यूट होता है, ठीक है। थर्ड एंड पब्लिक हेल्थ एंड कॉजेस अनसाइटली कंडीशन एंड नॉक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन, यानी कि सोर्स क्या है हमारे लैंड पॉल्यूशन होने का, ठीक है। सबसे पहला हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि जो हमारा घरेलू वेस्ट होते हैं, जैसे घर में जो हो गया, रबीश हो गया और चार हो गया,
ठीक है, ये सब क्या होता है जो हमारे घर के सॉलिड वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ये सब हमारे जो कूड़े कचरे हैं, ठीक है, शैम्पूज हैं या जो भी हैं, नहाने के वेस्ट हैं और जो किचन वेस्ट है, ये सब जो हमारे डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है वो सब क्या होता है हमारे लैंड में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डेफिनेशन वर्ड, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन, यानी किसी वर्क को वेस्ट होना, यानी कि मिट्टी खुदाई या खंकड़ हुआ या गिट्टी खुदाई या किसी घर को तोड़ा गया, ये जो उसके वेस्ट हुआ वो भी क्या होता है हमारे लैंड पॉल्यूशन का एक माध्यम है, ठीक। फिर हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि जब हमारा पूरी तरह से हमारा क्रॉप कंप्लीट हो, क्रॉप कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, जो उसके वेस्ट, जो हमारे उसके वेस्ट पार्टिकल्स हैं जो इसका हम यूज नहीं कर सकते, वो क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट, उसका क्या होता है हमारे लैंड को भी, तो क्या होता है एक सोर्स होता है क्या, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इंडस्ट्रियल से निकल के आती है, जैसे कि हमारे इंक हो गई, पेंट हो गया, या हमारा जो डाई फैक्ट्रीज है उनका जो डाइज हो गया, वो सब क्या होता है जब कभी वेस्ट के काम में, तो वो वेस्ट क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कूड़ेदान या कूड़े की जगह पे हम लोग उसको फेंक देते हैं, वो क्या करते हैं हमारे पूरी तरह से हमारे लैंड को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज में जनरली डिफाइन है अनवांटेड साउंड, नॉइज को क्या कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि जैसे मन चाह जो ऐसा साउंड जो हमारे लिए कभी मनचाहा नहीं होता, जैसे अनवांटेड होता है, ठीक है, जैसे कि कोई कोई ऐसा साउंड होता है किसी के लिए प्लेजेंट होता है, जैसे कि हम अगर शोर भरी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमको अच्छा वो साउंड हमें अच्छा लग रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए प्लेजेंट साउंड है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम डिस्टर्ब है या हमारा माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाता है और वही साउंड हम सुन रहे तो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस आ जाता है, यानी अनवांटेड, हमारा मन नहीं चाह रहा है कि हम वो साउंड सुनें, तो उससे क्या होता है, ये जनरली किस पर डिपेंड करता है, नॉइज, ठीक है। नॉइज अफेक्ट मैन फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एंड सोशली, क्या करता है साउंड जो हमारा होता है वो क्या करता है मैन को कैसे अफेक्ट करता है फिजिकली, यानी कि साउंड सुनने से हमारा फिजिकल, यानी हमारा कान खराब हो सकता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली का मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ वाला साउंड सुन रहे, उससे क्या होगी हमारी जो सुनने की क्षमता है वो तो खराब होगी होगी, लेकिन साथ ही क्या होगा हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी क्या होगा हमारे डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है। सोशली, सोशली यानी कि हमारे सामाजिक लिए वो, उससे क्या होगा कि समाज में जो वर्ड बोल रहे हैं उसको हमको हमको गेन करने में या हमको कुछ लेने में बात सुनने में हमें दिक्कत होगी, ये सब क्या होता है हमारे नमाज को हमारे क्वालिफाइन करते हैं, ठीक है। नॉइज में भी कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट एंड मे बी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि नॉइज तो कंटिन्यूसली होता है और इंटरमीडिएट होता है, यानी कि उसका कोई नॉइज कभी कंटिन्यूस भी हो सकता है या तो वो क्या होता है इंटरमीडिएट, यानी कभी कभी ना भी होगा, तो उससे क्या होता है कि हमारी वो लो फ्रिक्वेंसी में भी हो सकता है और हाई फ्रिक्वेंसी में भी हो सकता है, ठीक है। जनरली नॉइज का मतलब है कि अनवांटेड साउंड, ऐसा साउंड जो हमें नहीं चाहिए होता है वो क्या होता है हमारा नॉइज, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स आते हैं या उसको जो पॉल्यूटेट करते हैं वो क्या होता है हमारा पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन होता है। फिर है हमारा सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, सोर्स क्या है नॉइज पॉल्यूशन के, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में क्या होगा, पावर प्लांट्स, स्टोन क्रशिंग, मेटल वर्कशॉप और कैबिनेट मेकिंग, ठीक है। पावर प्लांट के जो सोर्स होते हैं, सोर होते हैं सॉरी, जो नॉइज होते हैं, स्टोन क्रशिंग यानी जब स्टोन को हम क्या करते हैं, पावर प्लांट्स में जो पावर जो फाउंटेन होती है, जो जो विंड मिल्स चलती हैं, जो उसके मोटर्स चलते हैं, उसके जो जनरेटर्स चलते हैं, वो सब क्या करते हैं हमारे हमारे नॉइज का क्या है, एक तरह से हमारे नॉइज पॉल्यूशन ठीक है हमारे सोर्स है, ठीक है। फिर क्या हमारा नेक्स्ट है स्टोन क्रशिंग, यानी कि जब हम स्टोन को हम तोड़ते हैं या हम क्वेरी करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो नॉइज निकलता है वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए एक सोर्स होता है नॉइज पॉल्यूशन का, ठीक है। फिर हमारा मेटल शॉप, ऐसे शॉप मेटल्स जहाँ पे खत्म हो, जहाँ पे हम क्या सिर्फ हमारे जो नॉइज है वो हमेशा वर्कशॉप से निकलते रहते हैं, ठीक है, वो वर्कशॉप से जो साउंड निकलेंगे मेटल्स के तो क्या हमारे होंगे सोर्स होंगे किसके, नॉइज पॉल्यूशन। फिर क्या हमारे कैबिनेट मेकिंग, यानी जब हम किसी चीज के भी किसी चीज़ का या घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं जो उससे साउंड निकलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे नॉइज पॉल्यूशन की सोर होते हैं, नॉइज होते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज़ हॉल इंक्लूडिंग वेडिंग हॉल, यानी कि ऐसे ऐसी जगह जहाँ पे हमारी शादियों की रहती है वहाँ पर डीजे बसते रहते हैं, क्या क्या वहाँ पे शहनाइयाँ बसती रहती हैं, बैंड वगैरह रहती है, ये सब क्या होता है मल्टीपर्पज़ हॉल,
एक हॉल में क्या करते हैं, एक बजाते हैं, दूसरे क्या होता है जो बहुत ज़्यादा मार जाते हैं वो क्या करते हैं हमारे, एक तरह का एक क्या हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन का सोर्स है। ठीक है, बेंगलुरु एलोंग द कोस्ट एरिया, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम फेस्टिवल मनाते हैं, वहाँ पे जो शो रहते हैं वो क्या होते हैं हमारे एक तरह के सोर्स होते हैं क्या हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन के। ठीक है, द प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग नाइट क्लब्स, यानी कि जहाँ पे नाइट क्लब्स होते हैं वहाँ से जो हमारे एंटरटेनमेंट की जो शो होते हैं उसमें क्या होता है, डीजे बज रहे हैं, पब बज रहे हैं, उससे जो हमारी नॉइज़ आती है वो भी क्या हमारे एक तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन का सोर्स है। ठीक है, रोड ट्रैफिक हो गया, उसमें जैसे मूविंग ट्रक ट्रक जा रही है वो नॉइज़ कर रही है, वो भी हमारे लिए एक हो गया सोर्स। ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, जैसे ऑटो हो गया, उसमें क्या कहते हैं गाड़ी हो गई, ठीक है, कोई भी होता है जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड उसमें होते हैं, बसेस हो गई, ठीक है, स्पेशली दोज विद मॉडिफाइड साइलेंसर सिस्टम। ठीक है, या ऐसे ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे व्हीकल जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं साइलेंसर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, साइलेंसर सिस्टम होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी नॉइज, एग्जाम्पल रेडियो टीवी, यानी कि कभी कभी हमारे जो रेडियो है उससे भी जो साउंड निकलता है, कभी क्या होता है लोग बहुत तेज़ बजाते हैं, बहुत तेज तेज सॉन्ग सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, रेडियो पे भी सुनते हैं, टीवी पे भी लोग देखते हैं, यानी कि वो क्या होता है हमारा सोर्स है साउंड के, कहाँ कहाँ से हमारे साउंड आ सकते हैं, लाउड स्पीकर से आ सकते हैं, कूल हाउसेस से आ सकते हैं, अलार्म से आ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एनिमल, जैसे कुत्ता है डॉग है वो भोंकता रहता है, तो उससे भी क्या हमारे साउंड से क्या होता है हमें अनप्लीजेंट लग सकते हैं, कैट है, क्रो है, ये सब क्या करते हैं हमारे जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके सोर्स है। यूज ऑफ साउंड स्पीकर एम्पलीफायर, यानी जब एम्पलीफायर हम इस्तेमाल करते हैं उसको बढ़ाने के लिए होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कभी कभी हमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं हमारे लिए अनप्लेजेंट साउंड उत्पन्न करते हैं। ठीक, फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइस फॉर रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जो हमारे रिलीजियस एक्टिविटी में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी त्यौहार हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ जिससे हम ये हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी क्या होता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हमारा क्या होता है एक नॉइस पॉल्यूशन का एक सोर्स होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट एंड स्पीड बोट, यानी कि जब एयरक्राफ्ट होता है यानी एयर जब एरोप्लेन चढ़ता है तो उससे भी जो बहुत भारी शोर होता है वो भी क्या हो सकता है हमारे नॉइस पॉल्यूशन का एक सोर्स हो सकता है। स्पीड बोट, ऐसी बोट जो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, ठीक है, उससे जो नॉइज आएगा वो भी क्या हो सकता है हमारा नॉइज पॉल्यूशन का सोर्स हो सकते हैं। ड्राइवर रूम, ठीक है, फिर हमारा मशीनरी जैसे जनरेटर सेट, यानी जब जनरेटर चलता है तो उससे जो साउंड आता है वो कंप्रेशर जब हम कंप्रेशर करते हैं या कोई मशीन चला रहे कंप्रेशर तो उससे भी हो सकता है। एयर कंडीशनर यूनिट्स, यानी कि ऐसे यूनिट जो एयर कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बॉयलर हो गया, पम्प्स हो गया, मोटर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं हमारे जो नॉइज़ है उसको क्या एक तरह के सोर्स होते हैं क्या नॉइज़ पोल्यूशन के। ठीक है, अदर में इंक्लूड कर लेते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो गया, पब्लिक गैदरिंग हो गई, वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, आइसक्रीम सेलर्स हो गया, विंडो शॉप्स हो गया, ये सब क्या करते हैं हमारे एक तरह के सोर्स होते हैं किसके नॉइज़ पॉल्यूशन के। ठीक है,